दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर एक और नई फ्रेश अपडेट के साथ। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि आज तो किन किन जिलों का सितंबर माह का बेरोजगारी भत्ते का बिल पास हुआ है और आज तो किन किन जिलों का तो अगस्त माह या जुलाई माह का पेमेंट आया है, इसकी भी आपको पूरी डिटेल साथ जानकारी बताऊँगा। और जिनको अभी तक तो अगस्त का भत्ता नहीं मिला है और जिनको अभी तक वो जुलाई का पेमेंट है जिनका नहीं आया है तो उनको अब तो क्या करना होगा, इसकी भी आपको मैं पूरी डिटेल साथ जानकारी बता दूंगा। तो वीडियो को आखिर तक पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आपकी जितने भी डाउट है बेरोज़गारी भत्ते को लेकर आपके सब तो डाउट इस वीडियो के अंदर तो क्लियर हो जाएगी कि मेरा भत्ता अभी तक क्यों नहीं आया। तो दोस्तों आज हम तो बात करेंगे तो बिल प्रोसेस के अंदर। तो दोस्तों आज सितंबर माह का बेरोज़गारी भत्ते का बिल तो करौली तो डिस्ट्रिक्ट का पास हो गया, यानी कि तो करौली तो ज़िले का सितंबर माह का बेरोज़गारी भत्ते का आज बिल पास हो चुका है। तो करौली से मेरे तो जितने भी तो व्यूवर है वो जितने भी तो दोस्त है जो मुझे बहुत सारे तो कमेंट आते रहते कि यह करौली ज़िले का सितंबर माह का बेरोज़गारी भत्ते का बिल कब पास होगा, तो उनके लिए खुशी की बात है कि उनका सितंबर माह का बेरोज़गारी भत्ते का बिल पास हो गया है। लेकिन अभी तक उनका तो पता नहीं है अगस्त माह का, और अभी तक तो बहुत सारे ऐसे तो डिस्ट्रिक्ट हैं जिनका अगस्त माह का पेमेंट अभी तक नहीं आया, क्योंकि तो अभी तक आप मान के चलिए कि आपका 7 से 8 तो डिस्ट्रिक्ट का ही पेमेंट आया है। तो जिनको भी अभी तक अगस्त का पेमेंट तो नहीं मिला है तो उनको तब थोड़ा करना होगा वेट, तो उनका आ जाएगा। लेकिन अभी तक जिनको जुलाई का पेमेंट अगर वो नहीं मिला है तो उनको रोज़गार तो कार्यालय पर अब करनी होगी शिकायत दर्ज। तो दोस्तों रोज़गार तो कार्यालय के नंबर है तो 181, तो रोज़गार तो कार्यालय पर आप तो शिकायत तो लिखाइए कि मेरा अभी तक जुलाई का पेमेंट तो क्यों नहीं आया। तो बहुत सारे ऐसे तो डिस्ट्रिक्ट है जिनका, जैसे सवाई माधोपुर से भी मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, जयपुर से भी आ रहे, अलवर से भी आ रहे और अजमेर से भी आ रहे हैं कि मेरा जुलाई का पेमेंट अभी तक नहीं आया। तो उन सभी दोस्तों से तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप रोज़गार तो कार्यालय पर अपनी तो शिकायत तो दर्ज कराइए। आप जब उनसे तो बात करोगे तो आपके वो रजिस्ट्रेशन तो नंबर मांगेंगे और उनको आप अपना तो रजिस्ट्रेशन तो नंबर बता देना और उनको अपनी तो ये शिकायत तो दर्ज करा देना। आपका तो 1 से 2 दिन के अंदर आपको वहाँ से रेस्पॉन्स तो मिल जाएगा कि आपका बता तो किस कारण वहाँ से तो रुका। जब मैंने रोज़गार तो कार्यालय पर तो बात की तो मेरा जैसे कि अभी तो अगस्त का भत्ता तो अभी तक वो इतना तो लेट क्यों हुआ, तो उन्होंने कहा कि तो अगस्त का पेमेंट 4 से 5 दिन के अंदर तो तेज़ी से भेजना शुरू किया जाएगा। तो दोस्तों आप ही अपनी तो शिकायत ज़रूर तो दर्ज कराइएगा ताकि आपको हाथों हाथ उसका तो रेस्पॉन्स मिल जाएगा। आपकी वो शिकायत तो दर्ज करते ही 1 से 2 दिन का उनको समय लगेगा, लेकिन आपके 1 से 2 दिन के अंदर आपकी 100% तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो कर देंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो और जानकारी आपको अच्छी लगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की लिंक डाल दी गई है। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।